हैं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के बलरामपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। 9800 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां एक तरफ सीएम योगी के कामों की तारीफ की, तो बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की, हो सकता है कि बचपन में इस योजना का फीता उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। ये सब तमाम बातें कहते हुए विपक्ष पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो बलरामपुर के दौरे पर थे और 9800 करोड़ की नहर परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 9 जिलों के 29 लाख किसानों को इस नहर परियोजना से लाभ मिलेगा। आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं, जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है।